हेलो माय डिश माय तड़का की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। करेले की सब्जी आज हम बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। लोग कई तरीके से करेले की सब्जी बनाते हैं लेकिन इसमें समय बहुत लगता है। आज हमको फटाफट सब्जी बनानी है इसलिए हमने 300 ग्राम करेले लिए हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके जो आगे के डंठल हैं उनको काट लेंगे और बहुत ही साधारण तरीके से इन करेलों को छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। इस तरीके से सब्जी आप बहुत ही आसानी से जल्दी से बना सकते हैं। ये देखिए सभी करेलों को हम इस तरह से छोटे पीसेज में कट लेंगे। बिल्कुल कच्चे करेले हैं। ये सब्जी बनाने में बहुत ही आसान रहती है और ये सब्जी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। उनका जो शुगर लेवल है उनको सही बनाने में ये सब्जी बहुत लाभदायक होती है, इसलिए आप अपने किचन में इस सब्जी को अवश्य बनाएं। इसे हम फटाफट तैयार करने वाले हैं। ये देखिए सभी करेलों को हमने छोटे पीसेज में कट कर लिया है, एकदम से कच्चे हैं। अब इनमें हम 2 चम्मच नमक डाल करके रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए। नमक से इनको ढक दिया है और अब इस बॉल को ढक करके इसको अच्छे से हिला देंगे जिससे नमक सभी करेलों में मिक्स हो जाए। इसे करीब 2 घंटे तक रख देंगे। ये देखिए सभी करेलों में नमक अच्छे से मिल चुका है और इसे हम ढक करके रख देंगे जिससे नमी से नमक पिघल जाएगा और सभी करेलों में नमक चला जाएगा। इसकी जो कड़वाहट है वो कम हो जाएगी और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होने वाली है। यह रक्त शुद्धि के लिए भी बहुत ही अच्छी रहती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से करेले की सब्जी बहुत ही अलग हटके होती है अन्य सब्जियों से, इसलिए आप इस सब्जी को अपने किचन में अवश्य ट्राई करें। तो इसे हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं। करेलों को छोड़े हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, ये नमक इनमें से पानी निकलने लग गया है। इसमें और पानी डाल करके करेलों को निचोड़ते हुए निकाल लेंगे। इसको हम 3 बार दोहराएंगे जिससे एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाए बाहर और ये सब्जी बहुत ही हेल्दी बनने वाली है, बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसलिए आप पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें। ये देखिए करेलों को पानी में से लगभग 3 बार निकाल चुके हैं। अभी इनकी कड़वाहट एकदम से कम हो चुकी है और करेलों की सब्जी बनाने के लिए जो अन्य सामग्री है वो इस प्रकार से, हमने 2 प्याज लिए जिन्हें छोटे पीसेज में कट कर लिया है, 2 हरी मिर्च जिन्हें कट कर लिया है, 2 टमाटर जिन्हें छोटे पीसेज में कट कर लिया है और जो अन्य सामग्री है वो इस प्रकार से है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 8 से 10 कलियां लहसुन के जिन्हें हमने दरदरा कूट लिया है, थोड़ा जीरा मेथी और स्वाद अनुसार नमक और तड़के के लिए हींग काम में लेंगे और इसे बनाने के लिए सरसों का तेल काम में लेंगे। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर दिया है, पैन रख देंगे और पैन में हम तेल डालेंगे। तेल आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, लेकिन इसमें थोड़ा तेल ज्यादा डलेगा क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता है और करेलों को फ्राई करना होता है। तो चलिए इस तेल को हम गर्म होने देते हैं। देखिए तेल गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम हींग डालेंगे, साथ ही इसमें जीरा और मेथी डाल देंगे। इनको हल्का ब्राउन होने देते हैं। अब इसमें लहसुन की कलियां डाल देंगे, हरी मिर्च, प्याज, प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है इसलिए आप अपने किचन में ऐसे बनाएं। बरसात के दिनों में करेला आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए करेले डाल देंगे और इनको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे, लगातार चलाते रहेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। करेले की सब्जी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है इसलिए आप अपने किचन में इसे सरल विधि से बना करके अवश्य ट्राई करें। गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इन्हें 4-5 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखिए करेले फ्राई हो चुके हैं, तेल छोड़ने लगे हैं। अब इसमें हम हल्दी, मिर्ची, धनिया और नमक डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सब्जी बहुत ही फटाफट बनने वाली है, बहुत ही आसान विधि से बनाए जाने वाली है। करेले को अनेक विधियों से बनाया जाता है लेकिन ये सबसे सरल विधि है और इसमें ये पौष्टिक भी बने रहते हैं। अब इसमें हम लाल टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 2 से 3 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे जिससे मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए
पानी नहीं डालना है, पानी डालने से करेले की कड़वाहट हो जाती है, इसलिए ये जो टमाटर हैं इनके थोड़ी नमी से ये मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। ये होटल जैसी सब्जी बनकर के तैयार होने वाली है, इसलिए लगातार वीडियो में बने रहें और आप भी अपनी किचन में इसे आसानी से बना सकते हैं। अब हम इसको गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक देंगे और इसे पकने देते हैं। ये देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है इसमें से और अब ये तेल छोड़ने लगे, चिपक भी नहीं रहा और अब ये पकने में आ गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबूदार करेले की सब्जी बनकर के तैयार हुई है और आप भी अपने किचन में इसे आसानी से बना सकते हैं। करेले की सब्जी बनाने की ये विधि यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, धन्यवाद।